नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धनबाद जिला अध्यक्ष उमेश गोस्वामी की अध्यक्षता में आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत थापार नगर रेलवे स्टेशन परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष उमेश गोस्वामी ने बताया कि धनबाद पटना इंटरसिटी, मौर्या एक्सप्रेस, दुमका रांची इंटरसिटी, शक्ति पुंज सहित अन्य कई ट्रेनों के ठहराव के साथ ही जो बंद लोकल ट्रेन है उसे भी अविलंब चालू किया जाए। थापर नगर स्टेशन पर यात्री के लिए यात्री सेट का निर्माण व शौचालय बाथरूम की व्यवस्था की जाए। स्टेशन से रोड तक लाइट की व्यवस्था जैसे कई मांगों को लेकर धरना दिया गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में भी ऐसी 5 मांगों की मांग पत्र आसनसोल DRM को सौंपा गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, बाध्य होकर धरना दिया गया है। थापर नगर स्टेशन निरसा के औद्योगिक क्षेत्र से है। यहाँ ECL, BCCL, MPL के लगभग 10,000 श्रमिक थापर नगर स्टेशन के अगल बगल रहते हैं। इसके बावजूद भी रेल प्रबंधक द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों पर यात्रा के लिए 30 किलोमीटर दूर धनबाद जाना पड़ता है। आने वाले 15 अगस्त तक अगर इन मांगों को रेल प्रबंधक द्वारा पूरा नहीं किया गया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चरणबद्ध तरीके से आमरण अनशन और रेल का चक्का जाम किया जाएगा। जनता के मांग पर विगत 1 वर्षों से आसनसोल रेल प्रबंधक को लगातार पत्रचार करते आ रहे हैं। 7-8 पत्र दे चुके हैं। ये थापा नगर स्टेशन पर धनबाद दुमका इंटरसिटी, पटना इंटरसिटी का ठहराव सहित मौर्य, पाटली, शक्तिपुंज आदि ट्रेनों का ठहराव किया जाए। थापा नगर स्टेशन निरसा मार्केट से सटा हुआ है, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से इस थापा नगर स्टेशन पर न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। इस सब मांग को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। NCP का उपज ही है ये, जहां भ्रष्टाचार है, जहां गरीब शोषित पीड़ित का हक अधिकार का बात है, वहां NCP सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और करते रहेगी। धरना एक दिवसीय है, धरना एक दिवसीय है। और आज हम लोग DRM को स्टेशन मास्टर के द्वारा एक मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें हम लोग टाइम दिए हैं 15 अगस्त तक, अन्यथा 16 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, जिसका सारा जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगा। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से VK सलूजा की रिपोर्ट।